हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आज मैं आपको राजस्थान और पंजाब के लिए एक बड़ी अपडेट है कि रेलवे और कुछ और ट्रेनों की मांग की गई है, देखते हैं क्या पूरी करो। सो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इस वीडियो जैसे लाइक करें शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चले आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में आज मैं आपको पंजाब राजस्थान के लिए बड़ी अपडेट है कि रेल सेवाओं में विस्तार के लिए कुछ और ट्रेनों की डिमांड की गई है और साथ ही सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें कई गाने को श्रीगंगानगर और साथ ही भटिंडा तक विस्तार करने की बात की गई है। आइए देखते हैं क्या पूरी करो। सो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। देखिए इसमें बताया गया कोरोना काल के बाद रेल सुविधाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे सलाहकार समिति भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। इसी के चलते रेलवे शिकायत निवारण कमेटी जो है उन्होंने कुछ डिमांड की गई है, आइए देखते हैं। और उनकी ये मीटिंग ZRUC के अधिकारियों के साथ हुई थी शनिवार को अबोहर रेलवे स्टेशन पर, जिसमें कि स्पेशल नंबर से चलाई जा रही गाड़ियों को जनरल करने तथा कई गाड़ियों को गंगानगर रेलवे स्टेशन और भटिंडा तक विस्तार करने की मांग की गई है। और साथ ही इन्होंने यहां पर विज्ञापन भी भेजा गया। बैठक को संबोधित करते हुए ZRUC के सदस्य भीम शर्मा ने बताया कि कोरोना काल के बाद से शुरू ही रेल सेवाओं में काफ़ी सुधार की जरूरत है और इस बारे में रेलवे को कई बार मांग पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है और जिसके चलते रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इसके अलावा अन्य मांगों के संबंध में भी उन्होंने बताया कि अबोहर से जोधपुर बीकानेर तक चलने वाली पैसेंजर गाड़ियों को श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन तक बढ़ाया जाए, जिससे कि श्रीगंगानगर से बांद्रा टर्मिनल तक जाने वाली बांद्रा टर्मिनल गाड़ी को भटिंडा तक बढ़ाने की मांग की गई है। और उन्होंने कहा है कि जो अरावली एक्सप्रेस है ये ट्रेन आपकी श्रीगंगानगर सुबह 4:15 पर आ जाती है और इसके बाद ये ट्रेन रात्रि के 11 बजे बांद्रा टर्मिनल के लिए रवाना होती है, तो काफ़ी समय तक ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है। तो ऐसे में इस गाड़ी को भटिंडा रेलवे स्टेशन तक बढ़ाया जाए, जिससे कि अबोहर मलौट गिदड़वा और भटिंडा के यात्रियों को लंबी दूरी की सीधी गाड़ी का फायदा मिल सकेगा। इसके अलावा रेलवे शिकायत निवारण कमेटी के चेयरमैन संजीव कोचर ने कहा कि श्रीगंगानगर दिल्ली ट्रैक पर कई वर्षों से चल रही उदयन आभा तूफान एक्सप्रेस, देखिए मैं आपको बताऊं रेलवे ने तूफान एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया और रेलवे का इसमें जो तर्क था कि तूफान एक्सप्रेस का स्टॉपेज ज़्यादा है और काफ़ी ये लंबी रूट की गाड़ी और समय भी काफ़ी लेती है, तो काफ़ी यात्रियों को परेशानी हो रही जिन यात्रियों को यहाँ श्रीगंगानगर से हावड़ा की ओर यात्रा करनी थी। तो उन्होंने बताया है कि और जिससे क्या थे श्रीगंगानगर के यात्री यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए सीधी ट्रेन की उपलब्धता थी, लेकिन तूफान एक्सप्रेस बंद होने से यहाँ के यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रयागराज से हावड़ा के लिए चलने वाली विभूति एक्सप्रेस को विस्तार कर दिया जाए और इस ट्रेन का विस्तार करके इस ट्रेन को दिल्ली और रोहतक के रास्ते श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन तक चलाया जाए, यानी श्रीगंगानगर से ये ट्रेन दिल्ली रोहतक प्रयागराज होते हुए हावड़ा के लिए चलाई जाए विभूति एक्सप्रेस ट्रेन। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो नेक्स्ट गाड़ी है मैं आपको बता देता हूँ, और इसके अलावा रोहतक के सांसद भी इस गाड़ी को श्रीगंगानगर तक लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तूफान बंद हो जाने से पंजाब राजस्थान और हरियाणा के लोगों को यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल की यात्रा करने के लिए कोई सीधी गाड़ी उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर से नांदेड़ को जाने वाली हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस प्रतिदिन चलाई जाए, जिससे कि जिन यात्री को श्रीगंगानगर से नांदेड़ यानी महाराष्ट्र के लिए यात्रा करनी उनको प्रतिदिन एक ट्रेन की व्यवस्था मिल जाएगी। तो एक बड़ी अपडेट है कि रेलवे द्वारा कुछ ट्रेनों का विस्तार करने की डिमांड की गई है और साथ ही ये ट्रेन आपकी विभूति एक्सप्रेस है श्रीगंगानगर नांदेड़ इसको प्रतिदिन चलाने की डिमांड है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है अरावली एक्सप्रेस जो कि भटिंडा ये ट्रेन आपके श्रीगंगानगर से चलती है बांद्रा के लिए, तो इस ट्रेन को भटिंडा तक चलाया जाता है। और साथ ही बीकानेर से अबोहर चलने वाली जोधपुर अबोहर इस ट्रेन का विस्तार करके इस ट्रेन को श्रीगंगानगर तक चलाया जाए, तो लगभग 4 ट्रेनों की डिमांड की गई है। और देखते हैं आगे क्या होता है, इन ट्रेनों का प्रस्ताव आगे भेजा गया है। देखिए इस प्रस्ताव को DRM के पास भेजा गया, फिर इसके बाद इस प्रस्ताव को आगे रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाएगा। तो ये अपडेट थी आपकी पंजाब और राजस्थान से जुड़ी कुछ ट्रेनों को विस्तार करने की और कुछ ट्रेनों के फेरों में वृद्धि करने की डिमांड की गई है। देखिए आज के इस वीडियो में मैंने आज आपको राजस्थान और पंजाब से जुड़ी ट्रेनों के बारे में बताया कि कुछ ट्रेनों का विस्तार करना है श्रीगंगानगर और भटिंडा और कुछ ट्रेनों के फेरों में वृद्धि करनी, जैसे कि श्रीगंगानगर हुजूर साहिब को डेली चलाने की मांग की गई है हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस। तो ये अपडेट थी राजस्थान और पंजाब से रिलेटेड जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी।
आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो जैसे लाइक और शेयर करें। टेबल संबंधी अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।